किसान भाइयों, आज हम केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि धान की खड़ी फसल की कटाई के बाद बिना जुताई के बुवाई किस यंत्र से कर सकते हैं। आप लोगों ने प्रायः नाम सुना होगा हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर जो है एक यंत्र है जिसमें नीचे हैंगर टाइप ब्लेड लगे रहते हैं जो रोटावेटर रोटरी मोड में पीटीओ के माध्यम से बहुत तेज आरपीएम से घूमते हैं, तो वो धान की कटी हुई जो पुआल होती है उसको काटते हैं। साथ ही उसी लाइन में हमारा जो टाइम्स लगी रहती है सेम लाइन में, इसमें ये हैंगर टाइप ब्लेड इसलिए लगाए जाते हैं कि ये जब भी लोड होता है तो ये ओवरलोडिंग ना हो, और इसमें दोनों तरफ धार होती है और जब हम हाई स्पीड में चलाते हैं तो ये धान की पुआल को बारीक करता हुआ पीछे से बुवाई कर सकते हैं। ये कृषि यंत्र में डबल पेटी सीड ड्रिल होती है, इसमें खाद और बीज दोनों अलग अलग होते हैं। खाद को हम आगे डालते हैं आगे के बक्से में और आगे के पाइप के माध्यम से खाद जो है बीज के 1 इंच नीचे गिरती है, पीछे हम बीज को डालते हैं। इसमें दो तरह के आप जो एडजस्टर देख रहे हैं उनके माध्यम से खाद को भी नियंत्रित कर सकते हैं और बीज को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि खाद की मात्रा हम लगभग 1 एकड़ में 1 क्विंटल और कुछ में अधिक भी रिकमेंड की जाती है, लेकिन बीज जो है हम 35 से 40 किलो तक ही बोते हैं। और किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें, आजकल उच्च तकनीक के उच्च उत्पादन के बीज आ गए हैं, तो हर 3 साल में बीज को अवश्य बदलें, क्योंकि आपसे जो बीज बार बार बोते रहते हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता घटती चली जाती है। प्रायः आप देखते हैं इस समय सुन रहे हैं कि खेत में जो है माहू लग रही है, तो किसान भाइयों आप लोग बिना बीज को उपचारित किए हुए ना बोएं। बीज को उपचारित करके बोने से ये सुनिश्चित हो जाता है कि बीज जो है जमेगा और उसमें जो नीचे जमीन के अंदर जो कीड़े जो अपशेष फल अपशेष के साथ जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वो किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करेंगे। ये एक विकसित यंत्र है, ये जो आप देख रहे हैं हैप्पी सीडर, ये हमारा इनिशियल स्टेज का है, लगभग आज से 10 साल पहले विकसित हुआ था, लेकिन अभी हमने इसको और कम लाइट वेट जो है बना दिया है, जिसको हम 50 एचपी ट्रैक्टर से आराम से चला सकते हैं। इसमें हमारे समय की बचत होती है, हमें जो है एक बार जुताई पलेबा और दोबारा जुताई और अंत में बुवाई, तो 3 ऑपरेशन हमारे बच जाते हैं। इस तरह से 3 ऑपरेशन बचने से हमारे कृषि लागत घटती है, कृषि लागत घटकर ही हम किसान भाइयों खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। धन्यवाद।